वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स जस्ट बिगिन विदन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम सो इन दिस चैप्टर एक तो सबसे पहले बात जो आपको ध्यान में रखनी है दैट इज अबाउट द टाइटल नेल्सन मंडेला के बारे में बातचीत की गई है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम क्यों बोला है बिकॉज दिस इज द नेम ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला क्लियर तो ये पर्टिकुलर जो चैप्टर का हम जो भी पार्ट पढ़ेंगे इन दिस चैप्टर वो पूरी स्टोरी क्या है इट इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम नेल्सन मंडेलाज ऑटोबायोग्राफी और उनका नाम क्या था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम क्लियर सो क्योंकि ये नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी का एक्सट्रैक्ट है एंड बिकॉज ही टुक अलॉट ऑफ टाइम ही वॉज यू नो बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया उन्होंने टू गेट दिस फ्रीडम for him and his country and his country's people that's why bola hai long walk to freedom

बट उसके बाद यानी कि थ्री सेंचुरी से मोर देन बोला इनफैक्ट मोर देन थ्री सेंचुरीज के बाद देर वॉज दिस पर्सन हु बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री एंड उन्होंने प्लेच कब लिया था ऑन टेंथ ऑफ मे नाइनटीन नाइनटी फोर सो यू नीड टू रिमेंबर दिस डे क्लियर ऑल राइट ंग्रेस पार्टी एंड पार्टी टू आउट ऑफ सो ऑब्वियसली इलेक्शंस वगैरह में पार्टिसिपेट किया तो एक पॉलिटिकल पार्टी होगी हज पार्टी नेशनल कांग्रेस पार्टी जिसे ए बोला जाता इन शॉर्ट एंड टोटल 400 सीट्स में से 252 टू सीट जो थी वो इनकी पार्टी ने ही जीती थी तो इट वॉज मोर देन हाफ तो इत का मतलब क्या हुआ कि जो मेजोरिटी है वो इनकी जो पार्टी है उसने सीट जीती थी दैट्स मंडेला द एंड ही बिकेम फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका क्लियर तो अभी तक दीज द इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑल राइट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अबाउट द इनोग्रेशन सेरेमनी यानी कि जिस दिन उन्होंने ओथ ली थी प्लेज किया था उस सेरेमनी के बारे में क्या क्या मैं आपके इस चैप्टर में इनोग्रेशन है बहुत सी स्टेज होती हैं इस तरीके से होता है एम्फी थिएटर एंड पीपल सिट है बीच में कहीं पे प्लेज वाला फंक्शन हो रहा होगा सो दिस इज हाउ एन एम्फी थिएटर लुक लाइक

Installation of South Africa's first democratic Non और क्या हुआ में 1994 को दिस दी इंस्टॉलेशन इंस्टॉल होना करना, तो ये जो हुआ था डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ दीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड नॉन रेशियल का मतलब रेसिस के बेस पर कोई भी यू नो डिस्क्रिमिनेशन ना होना दैट इज नॉन रेशियल गवर्नमेंट यह थी साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट क्लियर रेमनी में किसके साथ आए थे अपनी बेटी के साथ और उनके बेटी का नाम क्या है जिनानी सो नीड टू कीप यू नो दिस थिंग इन माइंड बिकॉज एक ही फैमिली मेंबर का नाम मैंशन किया गया है दैट इज हिज डॉटर हु इज जिनानी क्लियर ऑल राइट नेक्स्ट अब है कि भाई ये जो सेरेमनी था ऑब्वियसलीर आर डिफरेंट पोजिशन राइट तो किसने पहले ओथ ली क्या नाम था द वॉजिशन ये ध्यान में रखना है सो so, सबसे पहले जिन्होंने यू नो ओथ ली या फर्स्ट का मतलब गिवन अंडर ओथ वॉज मिस्टर डी लक एंड ये जो है कैसे ओथ लेते हैं फॉर विच पोजिशन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट तो सबसे पहले सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट टू दी ओथ हु

टुक द ओथ तो आपको ये तीनों चीजें याद रखनी है सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट मिस्टर डील फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट था एंड प्रेसिडेंट ने मंडेला क्या ओथ ली ने मंडेला ने ही प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन में सारे रूल्स मैं ऑफ द गवर्नमेंट जो कि उन्होंने फॉलो करने हैं जो भी सिटीजन हैं जो भी गवर्नमेंट बॉडीज हैं एवरीबडी हैजू फॉलो दोज रूल्स और वो रूल्स को ओबे करना और उसको अपहोल्ड करके रखना दैट इज समथिंग जो उन्होंने प्लेज किया किसने नैनसन मंडेला ने

नेक्स्ट इज अफ्रीक आउट लॉज अब बिफोर दिस यानी बिफोर ने बिकेम प्रेसिडेंट नॉन रिश्नल गवर्नमेंट आई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई इसके पहले साउथ अफ्रीका वॉज कंसिडर्ड एज आउटलॉज इसका मतलब क्या होता है बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसी ऑफ अपर थे अपर थिट का क्या मतलब है ये जो कलर बेस्ड यानी कि ब्लैक और व्हाइट पीपल ऐसे करके जो डिस्क्रिमिनेशन होता था बिकॉज जो कि व्हाइट पीपल थे ones, तो वो क्या करते थे people, you know, right, तो इस तरीके से जो सिस्टम चलता था उसे कहते थे अपर थे और ये अपर थे पॉलिसी की वजह से मेनी कंट्रीज अर्लियर ब्रोकन ऑफ डिप्लोमैटिक रिलेशन विद साउथ अफ्रीका तो जो भी एक कंट्री के बीच में रिलेशन होते हैं विद दूसरी कंट्री वो सारे रूल्स जो हैं साउथ अफ्रीका की कंट्री के साथ अदर कंट्रीज वर नॉट फॉलोइंग दैट वाज समथिंग जो कि ब्रेक कर दिए गए थे बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम ऑफ अपर तो इसीलिए इनको आउटलॉ कंसिडर किया जाता था द विक्ट्री ओवर अपर अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस

फ्री फ्राम लीगल सोशल और पोलिटिकल रेस्ट्रिक्शंस किसी भी तरीके के रेस्ट्रिक्शंस डिस्क्रमिनेशन वेदर इट्स बेस्ड ऑन लीगल या सोशल या पोलिटिकल वो रेस्ट्रिक्शन से फ्री होना उसे कहते हैं इमानसिपेशन तो इन लोगों ने वो पोलिटिकल फ्रीडम वो फ्रीनेस वो रेस्ट्रिक्शंस को एंड कर दिया था दे गॉड दिस फ्रीडम इन टर्म्स ऑफ लीगल सोशल और पोलिटिकल रेस्ट्रिक्शन तो इस तरीके से दे हैव अचीव्ड पोलिटिकल इमानसिपेशन क्लियर ऑल राइट नेक्स्ट इज शैवरॉन दट इज अ पैटर्न इन द शेप ऑफ वी ऑफ इम्पाला जेट लेफ्ट स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ एफ्रिकन फ्लैग नाउ अब बहुत ही ब्यूटिफुल्सुलर एरे बोला गया चैप्टर में दैट इज एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक्स्ट्रॉडिन व्यू दिख रहा था इन द स्का बिकॉज ऑब्वियसली बहुत बड़ी सेरेमनी थी देवर लॉर्ड ऑफ सेलिब्रेशन इज गोइंग ऑन वन ऑफ दीज व शेवरॉन शेवरॉन का मतलब होता है एक वी पैटर्न और इसमें क्या होता है जो इम्पाला जेट्स थे दे वर लीविंग द स्मोक ट्रेल्स बिहाइंड और वो स्मोक ट्रेल्स के कलर्स कौन से थे आपको ध्यान में रखना है देर आर टू बीज ब्लैक ब्लू देर आर टू ग्री जी तो वन इज ग्रीन वन इज गोल्ड एंड देर इज वन आर दैट इज रेड तो आपको ये कलर याद रखने हैं बी आर जी बी जी दिस वुड बी द सीक्वेंस तो आपको कलर्स क्या याद रखने हैं दो बी हैं दैट आर ब्लैक एंड ब्लू दो जी हैं ग्रीन एंड गोल्ड और एक आ रहा है दैट इज रेड तो इन कलर्स बिकॉज ये साउथ अफ्रीका के न्यू फ्लैग के कलर्स थे तो इसी कलर के जो स्मोक्स हैं वो जेट्स पीछे छोड़ते जा रहे थे और इस तरीके का एक वी पैटर्न बनता है इसे कहते हैं एक शैवरॉन पैटर्न क्लियर सो दिस वाज समथिंग जो कि एक स्काई में बहुत ही अच्छा सा एक व्यू दिख रहा था टू नेशनल एंथम्स वर प्लेड व्हाइट्स सैंग कोसी सिकिलेल आई अफ्रीका एंड ब्लैक्स

उस वक्त जितने भी वाइट पीपल थे कब के साउथ अफ्रीका के उन लोगों ने आपस में अपने डिफरेंसेस सॉर्ट आउट कर लिए और फिर उन लोगों ने एक सिस्टम स्टार्ट किया उस सिस्टम क्या था वो रेशियल डोमिनेशन का यानी रेसेस पे बेस्ड ये ब्लैक पीपल है वाइट पीपल है इस तरीके का एक डोमिनेशन स्टार्ट कर दिया उन्होंने अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल जो कि खुद ही की के कंट्री के थे उनके उनकी साउथ अफ्रीका जो उनकी कंट्री है और वहीं के जो लोग थे जो कि थे ब्लैक पीपल डार्क स्किन पीपल उनके अगेंस्ट एक रेशियल डोमिनेशन का सिस्टम बिगिन कर दिया उसे कहते हैं हम अपरथेड सिस्टम तो ये बहुत इजीली आपको गिवन है नाउ आई होप आपको ये पूरा सिस्टम क्लियर हो गया

The decades of operation and brutality produced the Oliver Tamboos, the Walter Sisley's, the Chief Luthless, the Yusuf Dudu's, the Bram Fisher's, the Robert Sobequis, men of such extraordinary courage, wisdom and generosity. So here we mention that although this system, बहुत ज़्यादा you know का बहुत बोल सकते हो लोगों ने suffer किया, torture किया system ने बहुत wounds दिए हैं यहाँ के लोगों को. But एक अच्छी चीज़ क्या हुई थी? इस सिस्टम की वजह से इस ऑपरेशन ब्रूटैलिटी जो बुरा व्यवहार होता था जो डोमिनेशन था व्हाइट पीपल का वो ब्लैक पीपल उसकी वजह से ऐसे कुछ लोगों का जन्म हुआ या ऐसे लोग बाहर आए और ये लोग क्या हैं मैन ऑफ एक्स्ट्रॉर्डिनरी करेज विजडम एंड जेनरॉसिटी इतना करेज था इनमें कि दे कुड सेक्रीफाइस देर लाइफ फॉर द फ्रीडम ऑफ अदर पीपल

कैरेक्टर यानी कि जब तक इतना ज्यादा यू नो डोमिनेशन या इतना तो, ज्यादा टॉर्चर कोई सहन नहीं करता तब तक इतने ज्यादा यू नो अच्छे आ, बोल सकते हो करेजियस पीपल का बर्थ नहीं होता है

उससे भी फाइन उससे भी यू you नो know, प्योर और ट्रू अगर कोई डायमंड है या स्ट्रेंथ है साउथ अफ्रीका का तो वो है उसके लोग क्लियर ऑल राइट करेज इज नॉट अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये है आपका वन ऑफ द मैसेजेस ऑफ द पोएम तो मैसेज के टाइम आप ये देख सकते हो करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट पूछा भी जा सकता है अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज द ट्रू डेफिनेशन ऑफ करेज तो उनका कहना था कि हिम्मत जो है एबसेंस ऑफ फियर नहीं होती इट इज द ट्राइम्फ ओवर इट इट द विक्ट्री ओवर इट इफ यू कैन विन ओवर द फियर यू हैव इफ यू कैन टैकल विद इट तो आप करेजियस होते हो आप में डर नहीं है वो करेजियस होना नहीं होता

अगर वो सीख गया कि हेट कैसे करते हैं नफरत कैसे करते हैं तो फिर उसके लिए यू you नो know, प्यार क्या होता है किसी के लिए काइंडनेस क्या होती है वो सीखना बहुत ईजी हो जाता है बिकॉज लव जो है इट कम्स मोर नेचुरल टू ह्यूमन हार्ट एज कंपेयर टू हेट क्लियर मैं गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट ने लाइन उन्होंने कब बोली है जब ये जेल में थे प्रिजन में थे तो इन्होंने कहा है कि थोड़ी देर के लिए इनको यू नो ह्यूमैनिटी ग्लिम्स ऑफ ह्यूमैनिटी देखने को मिला था इन वन ऑफ द गाड्स और उसे देखकर ही ये इतने टाइम तक टॉर्चर सहन कर रहे थे इनकी स्ट्रेंथ बनी हुई थी और तब इनका कहना है कि जो गुडनेस होती है हमें एक अच्छाई जो होती है इट्स अ फ्लेम वो एक फ्लेम की तरह है दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश थोड़ी टाइम के लिए छुप तो सकती है बट उस फ्लेम को कभी भुजा नहीं सकते यानी गुडनेस जो होती है एक इंसान में से वो आप कभी भी हटा नहीं सकते हो छीन नहीं सकते हो दिस इज वन मोर थिंग जो यहां पर आपको ने सिखाया तो टोटल अगर हम सीखे क्या मैसेज मिला है हमको पूरे चैप्टर से तो वन इज दिस करेज इज नॉट द ऑफ बट देंट फोवर इट सेकेंडली पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड देन ओनली यू नो दे कैन बी टॉट टू लव बिकॉज लव कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट देन ऑपोजिट एंड थर्ड जो मैसेज सीखने को मिला है वो क्या है मैन गुडनेस इज फ्लेम जो कि हिडन तो हो सकती है जिसे हाइट तो कर सकते हो बट या हमेशा के लिए खत्म वैनिश नहीं कर सकते क्लियर ऑल राइट एवरी मैन हैज्लीगेशन फिर नेक्स्ट यहाँ पर जो नैसन मंडेला है वो ये कहते हैं हर एक इंसान की दो ऑब्लीगेशन ऑब्लीगेशन का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूटी कमिटमेंट आपको जो बोलना हो तो दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हर एक इंसान की होती है वन अब आपको जब आंसर लिखना हो तो अब ऑब्लीगेशन वर्ड ही यूज करना बिकॉज दिस इज गोइंग टू हाईलाइट को यहाँ पर पता है ठीक है तो ऑब्लीगेशन टू इस फैमिली पेरेंट्स वाइफ एंड चिल्ड्रेन और दूसरा होता है टू पीपल कम्युनिटी एंड कंट्री मंडेला वॉज नॉट बॉर्न विद हंगर टू बी फ्री तो ये ऑब्लीगेशन उन्होंने बताया कि नॉर्मल इंसान तो बहुत ईजिली फुलफिल कर ले बट एक ब्लैक पर्सन के लिए इन साउथ अफ्रीका बहुत डिफिकल्ट था इन ऑब्लीगेशन को फुलफिल करना और नेन्सन मंडेला भी जो थे वॉज नॉट बॉर्न विथ हंगर टू बी फ्री उनमें ऐसा नहीं था कि बचपन से उनको था कि मुझे फ्रीडम चाहिए नहीं तो फिर उनके लिए फ्रीडम क्या था लेट्स सी न फ्री फ्री इन एवरी वे दैट ही कुड नो उनको लगता था कि मैं फ्री हूं कैसे क्योंकि ये सब चीजें वो कर सकते थे अब वो क्या पॉइंट है ध्यान में रखने फ्री टू रन इन द फील्ड नियर हिस्स मदर्स हर्ट अपनी मम्मी की जो झोपड़ी थी जो घर था उसके आसपास की जो फील्ड है वहां पर वो आराम से अपनी मर्जी से घूम सकते थे दैट वॉज फर्स्ट फ्रीडम अकॉर्डिंग टू एम फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू इज विलेज जो एक नहर बहती थी इनके यहां से स्ट्रीम बहती थी उसमें आराम से कभी भी स्विम कर सकते थे थर्ड थिंग फ्री टू रोस्ट मियलीज अंडर द स्टार्स मील जो होती है जो कॉन होती है उसको वो यू नो रोस्ट करके खा सकते थे अंडर द स्टार्स यानी रात को बैठ के उसको रोस्ट कर सकते थे अपनी मर्जी से एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स और जो बुल्स होते हैं जब वो स्लो मूव कर रहे हैं उनके ऊपर बैठ कर ये राइड भी कर सकते हैं सो दीज वर दी फ्रीडम्स अकॉर्डिंग टू हिम जब वो छोटे थे

हिमसेल्फ और वो फ्रीडम क्या थी उनके लिए एज अ स्टूडेंट द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट जो छोटे मोटे फ्रीडम्स होते हैं नंबर वन कि वो रात को अकेले बाहर रह सकें ये उनके लिए एक फ्रीडम है रीड वॉट ही प्लीज कुछ भी पढ़े वो कोई भी बुक पढ़े उनकी मर्जी से पढ़ पाएं ये एक फ्रीडम चाहिए थी उनको एंड गो वेयर ही चोज जब भी उनको जहाँ जाना है अपनी मर्जी से वो जा पाए सो दीज वर थ्री फ्रीडम्स जो उनको एज अ स्टूडेंट लगता था कि होनी चाहिए क्लियर ऑल राइट ज अंग मैन देखो तीनों छोटे थे तो वो, उनको लगता था वो फ्री है वो पॉइंटर्स देख लिए जब वो स्टूडेंट थे उनको क्या लगता था फ्रीडम होनी चाहिए वो देख लिया थर्ड चीज जब वो एक यंग मैन जब वो जोहैनसबर्ग में ही यर्न फॉर द बेसिक एन ऑनरेबल फ्रीडम जब वो जोहेनसबर्ग में थे वहां पर एज अ यंग मैन उनको क्या लगता था कि क्या फ्रीडम्स होने चाहिए ऑफ़ अचीविंग हिस्स पोटेंशियल कि जितने उनमें स्किल्स हो टैलेंट हो उतना वो अचीव कर पाएं ऑफ अर्निंग हिस्कीप वो खुद के बेसिक नीड्स के लिए पैसे कमा पाएं अर्न कर पाएं ऑफ़ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली अपनी मर्जी से शादी कर सकें और एक फैमिली हो उनकी द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ और ये जो लॉज हैं कि ब्लैक ये नहीं कर सकते ये नहीं कर सकते वो चीज़ नहीं होनी चाहिए उनको रोका ना जाए सारे राइट्स जो है वो इक्वली उनको भी मिले तो ये वो चीजें थी जो उनको लगता था कि मिलनी चाहिए थी उनको या दिस वर दीज द थिंग्स जिसके लिए वो यर्न करते थे लॉन्ग करते थे ही यूज टू डिजायर फॉर दीज फ्रीडम्स वेन ही वॉज अ यंग मैन इन जोहैनबर्ग क्लियर ऑल राइट नेक्स्ट इज मंडेलाज डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ इज पीपल टू लिव देयर लाइज विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट तो उनकी फिर ये जो डिजायर थे जो उनको यू नो सॉर्ट ऑफ जब पता चला कि सारे ही लोग फ्री नहीं है वो क्या बाकी सभी लोग जो है वो फ्रीडम नहीं है उनके पास तब उनको समझ आया कि यू you नो know, मुझे फ्रीडम के लिए लड़ना है और ये जो डिजायर था उनका फॉर फ्रीडम ऑफ पीपल उसकी वजह से क्या हुआ वो कैसे बदल गए सो so दैट तो हमेशा हर एक लॉ को फॉलो करते थे वो गर्मिनल गर्मिनल। और उससे वो चेंज हो गए क्रिमिनल में बिकॉज ऑब्वियसली उनको you know, चीजें करनी पड़ती थी रैली हो या फाइट करना होम वो जो है फ्रीडम ऑफ इट्स फोर्स लविंग मैन टू लिव लाइक का मोंक और उनको लाइफ के जितने भी मोम आया होते हैं जितने भी प्लेजर्स होते हैं वो सब पसंद थे बट अब वो एक मोंक में चेंज हो गए थे एक सन्यासी टाइप में चेंज हो गए थे जिसको ये सारी चीजों से अब कोई मतलब नहीं था सो दिस इज हाउ ही चेंज वॉट वॉज यू ही बिफोर ही जस्ट स्टार्टेड द स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम ऑफ द पीपल एंड हाउ ही चेंज टू समन लाइक दिस क्लियर ऑल राइट जो मंडेला कहते हैं वो ये है कि जो ऑपरेसर है जो लोगों को दबाता है जो डोमिनेट करता है उसको भी लिबरेट करना चाहिए उसको भी फ्री करना चाहिए जस्ट एज शोलिया एज द ऑपरेस्ट जैसे कि आप जो है जो दबाव सह रहा है जो वो स्ट्रगल सह रहा है जिस पे वो डोमिनेशन हो रहा है वो सहन कर रहा है ऑपरेसर उसी तरीके से जो ऑपरेस जो सॉरी ऑपरेस्ड है उसी तरीके से जो ऑपरेसर है यानी कि जो ये सब चीजें कर रहा है उसको भी फ्री होने की जरूरत है ऐसा क्यों बिकॉज ऑपरेस्ड एंड ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी बिकॉज जो ऑपरेस्ड है ऑब्वियसली वो तो अपनी ह्यूमैनिटी से यू you नो know, उसकी चोरी हो जाती है ह्यूमैनिटी बिकॉज उसको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं मिलती बट जो ऑपरेसर है क्योंकि उसमें ह्यूमैनिटी नहीं है काइंडनेस नहीं है उसकी भी ह्यूमैनिटी रॉब हो चुकी है इसीलिए तो इस तरीके का ट्रीटमेंट कर रहा है तो दिस इज अ वेरी बिग इंपोर्टेंट मैसेज जो अगेन हमको मिलता है इस चैप्टर से मैन अवेस मैन फ्रीडम इजनर ऑफ हेट्रेड अब इसे प्रूफ कर सकते हो कैसे क्योंकि जो इंसान दूसरे इंसान की फ्रीडम ले लेता है, वो कौन होगा? वो है एक हेट ने उसको अपना एक यू you नो know, प्रिज, प्रिजन में बंद करके रखा है is, sort of, बोल सकते हो, वो बंधा हुआ है हेट से. तो वो खुद भी फ्री नहीं है बल्कि वो भी एक जेल में बंद है किसके जेल में हेट के जेल में कौन ऑपरेसर He is locked behind the bars 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 of prejudice and narrow-mindedness. jail cell उसके पीछे बंद है और वो bars कौन से है? वो हैं? वो है prejudice के prejudice का मतलब होता है preconceived opinion. पहले से एक बुरा opinion किसी के बारे में सोच लेना वो and also दूसरी चीज है narrow-mindedness जो छोटी सोच है उसके बार्स के पीछे जो है ऑप्रेसर भी बंद है क्लियर तो ऑप्रेस्ड जो है वो तो सहन करता है ये सब चीजें उसकी तो ह्यूमैनिटी रॉब हो ही जाती है वो तो यू नो सॉर्ट ऑफ बोल सकते हो कैद तो है ही ही हीज बट आल्सो द ऑपरेसर इज नॉट फ्री सो ही आल्सो नीड्स दैट फ्रीडम बोथ ऑफ देम आर स्ट्रगलिंग फॉर द फ्रीडम समवेर ऑर दियर ऑल राइट नेक्स्ट है मेन पॉइंट्स ऑफ द पोएम दैट इज चैप्टर जो है आपके नेल्सन मंडेला उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं वो यहीं तक थे जो भी मैसेजेस थे इस चैप्टर के वो मैंने आपको बता दिया इन बिटवीन द चैप्टर वो हेट्रेड वाली बात हो ऑप्रेस्ड की वो करेज मैन की बात हो ठीक है तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो मैसेजेस हैं वो हमको इन बिटवीन बताए हैं नेल्सन मंडेला के चैप्टर से तो दीस इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो आपको ध्यान में रखने हैं वर्ड ऑपरथ सिस्टम एंड एवरीथिंग क्लियर सो आई होप नेल्सन मंडेला का हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रहेगा अब एंड ऑल्सो अगर आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन

नेचुरल हैबिटेट यानी जो टाइगर जू में बंद है उसकी क्या कंडीशन होती है और वही टाइगर जो अपने फॉरेस्ट में होता है नेचुरल हैबिटेट में होता है तो क्या डिफरेंस होता है वो एक कॉन्ट्रास्ट शो किया है इन दिस पोअम क्लियर

तो जो सबसे पहला स्टैंडा है ऑफ दिस पोअम स्टॉक्स इन द फ्यू स्टेप्स ऑफ केज ऑन पैड्स ऑफ वेल क्वाइट इन क्वाइट रिच तो सबसे पहले राइमिंग स्कीम देख लेते हैं तो स्ट्राइप्स की बात करें तो ये फर्स्ट वर्ड है जिसको हम क्या लिखेंगे ए ठीक है यानी कि फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड जो होता है वो हमारी राइमिंग स्कीम का फर्स्ट वर्ड होगा तो ये हो गया ए फिर देखो नेक्स्ट वर्ड केज केज और स्ट्राइप सेम साउंड कर रहे हैं क्या बिल्कुल भी नहीं तो ये क्या हो जाएगा बी नेक्स्ट है क्वाइट अब क्वाइट और स्ट्राइप्स सेम हैं बिल्कुल भी नहीं आर केज एंड क्वायर्ड साउंडिंग सेम डेफिनेटली नॉट तो दिस वुड बिकम नेक्स्ट अल्फाबेट सी लास्ट वर्ड क्या है रेज अब रेज और स्ट्राइप जो है are they sounding same? नहीं तो ये ए बी सी बी और यही है थ्रू आउट द पोएम क्लियर चलिए अब इस टैंसर में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलती है लेट्स डिस्कस टाइगर इज कंफाइंड इन जू कैसे पता यहां यहाँ पे टाइगर जू में है क्योंकि बोला है द फ्यू स्टेप्स ऑफ इज केज यानी पिंजरे में बंद है वो तो यहाँ पे टाइगर कहाँ है एक जू में बंद है ही स्टॉक्स यानी वो वॉक कर रहा है इन हिज विविड स्ट्राइप्स विविड मतलब ब्राइट बहुत ज्यादा यू नो डिटेल्ड स्ट्राइप्स बहुत ज्यादा ब्राइट सी उसकी जो बॉडी है वो बहुत बोल सकते हो स्किन कलर होता है बहुत ही लाइट सा बट उसपे जो स्ट्राइप्स होती हैं वो बहुत ब्राइट होती हैं अलग ही दिखती हैं तो वो जो उसकी स्ट्राइप्स हैं वो दूर से भी दिख रही हैं जब वो केज के अंदर बंद है और वो वॉक कर रहा है

आवाज नहीं आएगी इसीलिए बोला है क्वाइट क्वाइट एंड इन रेज रेज का मतलब होता है एंगर गुस्सा और क्योंकि वो गुस्सा उसके अंदर है वो है वो वो बहुत ज्यादा इरिटेटेड है केज में बंद रहकर बट क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता वो हेल्पलेस है तो वो जो उसका रेज है वो क्वाइट रेज है यानी कि उसने अपने गुस्से को अंदर दबा के रखा है वो कुछ बोल नहीं सकता क्लियर तो इस पूरे स्टैंडा के इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखने हैं टाइगर इज कन्फाइंड इन द जू

तो फिर क्या कंडीशन होती तो अब हम पहुंच चुके हैं जू से फॉरेस्ट में ही शुड बी लर्किंग इन शेडो वो जो है घूम रहा होता छुपने की कोशिश कर रहा होता एक छाव में शेडो के अंडर स्लाइडिंग थ्रू ग्रास और जो है फिर वो बड़ी बड़ी जो घास है उसके पीछे से निकलकर आता नियर द वॉटर होल कहां पहुंचता एक पानी के इधर पे एक वॉटर बॉडी के इधर पे अगर आपने कभी भी किसी चैनल पे देखा हो टाइगर्स का कैसे वो हंट करते हैं अटैक करते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसा कुछ देखा होगा कि वो पीछे से से अपने प्रे को देख रहे होते हैं फिर सडनली एक वॉटर बॉडी के पास पहुंचते हैं वहां पर झपट्टा मारते हैं अटैक करते हैं यही चीज यहाँ पे पोइट ने बताई है तो वो जो है पानी की या फिर वॉटर बॉडी के पास में पहुंचता है और वहां पे एक प्लम्प यानी फैट सा डियर जो है पास होता है और वो उसको वहां अटैक करेगा उसको खाएगा तो दिस वुड हैव बीन समथिंग जो वो नेचुरल हैबिटेट में कर रहा होता क्लियर चलिए राइमिंग स्कीम देखते हैं तो शैडो क्या हो जाएगा

हिड himself. हिड क्या होता है Past ऑफ हाइट तो अब वो अपने आप को छुपा देगा पीछे छुप जाएगा कहाँ पर इन द शेडो छाव में बिहाइंड द लॉन्ग ग्रास बड़ी बड़ी जो यू you नो know, ग्रास होगी घास होगी उसके पीछे वो छुप जाएगा रीच द वॉटर होल फिर उसका जहां पर ध्यान जाएगा कि एक वॉटर बॉडी के उसको जाना है क्यों क्योंकि वॉटर बॉडी से क्या पास होने वाला है एक फैट डियर क्योंकि बहुत उसका क्यों है अच्छा सा खाना है तो नाउ अब वो पहुंच जाएगा कहां पर एक वॉटर बॉडी के पास अ डियर वुड पास थ्रू और वहां से एक डियर पास हो रहा होगा वो कैसा डियर होगा वो होगा फैट डियर वो होगा प्लंप डियर क्लियर अटैकेट हैविट एज अ मील फॉर द डे उसको अटैक करेगा और उसको फिर अपने पूरा यू नो एक सोर्ट ऑफ उसका वो क्या हो जाएगा मील हो जाएगा खाना हो जाएगा उस दिन का

ज्ड बिकॉज ही इज देयर इन द केज वो कुछ नहीं कर सकता और वो जो है वहीं पे बैठा हुआ है क्लियर ऑल राइट नेक्स्ट एंसर इज ही शुड बी स्नारिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज बेरिंग हिस्स वाइट फैंस हिज क्लॉज

अब यहां पे पोइट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि क्योंकि नो क्या कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग्स वो जंगल को कट कर करके वहां पे घर बनाते हैं या कोई और प्रॉपर्टी बना देते हैं तो क्या होगा अब जो टाइगर है या कोई भी वाइल्ड एनिमल है उनके पास घूमने के लिए जगह कम हो गई तो खाना ढूंढते ढूंढते ऑब्वियसली वो वो घरों के पास आ जाएंगे तो वो आते क्यों हैं वो वो आते हैं अपने खाने को ढूंढने के लिए बट बिकॉज स्नान करता है ग्राउल करता है जहां पे घर है, लोग रहते हैं एंड देन हिज वाइट फैंस अब वो ग्राउल करता है तो क्या करेगा वो जो अपने तीत है फैंग है उसको बाहर निकालेगा बेरिंग यानी कि वो ओपन करेगा वो उसके जो तीत है वो दिखने लगेंगे उसके क्लॉज जो है वो दिखने लगेंगे नुकीले से तो लोग क्या डर जाएंगे उनको लगेगा कि यहाँ पे टाइगर

और ये है क्लॉज ठीक है तो साउंड क्या है डिफरेंट है तो ये हो जाएगा सी और विलेज हाउसेस के जैसा है क्या बिल्कुल नहीं इज एज एंड विलेज साउंडिंग सेम डेफिनेटली तो विलेज वुड ऑल्सो बिकम बी सेम ए बी बी सी क्या हो गई राइम्स की तो यहां पोएट बोल रहे हैं अगेन वो कहां है फ्री है अपने नेचुरल हैबिटेट में है वुड हैव ग्राउल करता एक साउंड वर्ड है अराउंड हाउसेज विच इज एट द एज ऑफ द जंगल नियर द वलेज तो जंगल के एज पे जो विलेज बना है गांव बना दिया है जंगल को हटाकर वहां पर जाकर जो है टाइगर क्या करेगा ग्राउल करेगा ही वुड स्नारुड अनक व्हाइट लॉन्ग शार्प टीथ एंड

Next answer is, but he is locked in a concrete cell.

देखने आते हैं जू में अपने एंटरटेनमेंट के लिए वो उनको इग्नोर करता है उसको कोई इंटरेस्ट नहीं उन लोगों को देखने में क्लियर तो यहां पे सेल क्या हो जाएगा ए बार्स और सेल सेम साउंड कर रहे हैं क्या बिल्कुल नहीं तो यह हो जाएगा बी केज और सेल सेम साउंड कर रहे हैं डेफिनेटली नॉट केज एंड बार्स अगेन दे आर नॉट सेम तो दिस वुड बिकम सी एंड विजिटर्स और सेल सेम साउंड नहीं कर रहे बट विजिटर्स और बार्स कर रहे हैं सेम तो यह हो जाएगा बी तो ए बी सी बी क्या हो गई राइम स्कीम चलो आप देखते हैं पॉइंट क्या बता रहे हैं रियालिटी पे आ गए वो रियालिटी ऑफ दी टाइगर क्या है एट प्रेजेंट ही इज इन साइड द स्ट्रॉग केज मेड ऑफ कॉन्क्रीट सीमेंट ब्रिक्स जितने भी यू नो स्ट्रॉग मटेरियल होते हैं उससे बना हुआ है क्या है? ये केज Tiger's ferociousness, strength and पावर उसकी स्ट्रेंथ पावर ताकत गुस्सा फिर सब कहा है भाई इट इज बिहाइंड द बार्स बार्स जो जो हैं यू नो सेल के जो ये बार्स होते हैं उसके जस्ट पीछे बंद है उसकी स्ट्रेंथ वो कुछ नहीं कर सकता ही जस्ट टॉक्स इन द केज दैट मीन मूव स्लोली एंड क्वाइटली इन केज उसके पास कोई काम नहीं है तो वो सिर्फ चलता रहता है वो देखता रहता है केज को क्योंकि उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता पेज नो अटेंशन टू पीपल हु आर कमिंग टू सी हिम और वो किसी को भी नहीं देख रहा क्योंकि वो बहुत बुरा फील कर रहा है हेल्पलेस फील कर रहा है उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है उन लोगों को देखने में जो रोज रोज उसको आकर देखते हैं जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट क्लियर ऑल राइट नेक्स्ट एंड फाइनल इज़ ही द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स तो यहां पे पोएट कह रहे हैं कि केज में उसको जो या फिर जू में सबसे लास्ट जो उसको साउंड सुनाई देता है वो होता है पेट्रोलिंग कार्स का यानी जो कार्स मूव करती हैं जू को चेक करने के लिए सिक्योरिटी देखने के लिए कि सब कुछ ठीक है कि नहीं वो साउंड सबसे लास्ट साउंड होता है जो किसको सुनाई देता है टाइगर को एंड स्टेस विध हिस्स ब्रिलियंट आईज एट द्रिलियंट स्टार्स तो कभी आपने देखा हो कभी भी डिस्कवरी चैनल भी देखा हो तो ऐसा होता है कि यू you नो know, जो टाइगर्स हैं या कैट्स हैं वो रात को उनकी आंखें चमकती है, आईज होती है, ठीक है और वही यहाँ पे बात की गई है कि उनकी उसकी जो आंखें हैं वो चमक रही हैं, और उस आंखों से वो क्या देख रहा है जो sky में स्टार्स है अब देखो यहाँ पे बहुत डिफरेंट मीनिंग निकल सकते हैं नंबर वन की उसकी जो आंखें हैं वो चमक रही है बिकॉज ऑफ द ब्रिलियंस ऑलरेडी जो है और उससे वो चमकते हुए स्टार्स को देख रहा है क्योंकि उसके पास और कुछ है नहीं वो लास्ट होप है उसको कि एक दिन शायद वो फ्री होगा नंबर टू ये कह सकते हो कि इसकी भी क्या, है? स्टार्स भी क्या है? हैं मेरी आंखें जो चमक रही है मैं तो यहां पे बहुत से निकल सकते हैं, बट अल्टीमेटली कह सकते हो कि वो बहुत होपलेस फील कर रहा है और इसीलिए वो स्टार्स को देख चीज देखते हुए वो दिन देखते हुए कि जिस दिन वो फ्री होगा क्लियर तो यहां पे जो राइम स्कीम है अगेन नाइट क्या हो जाएगा ए कार्स क्योंकि नाइट के जैसा सेम साउंड नहीं कर रहा है दिस वुड बिकम बी देन आईज एंड नाइट आर साउंडिंग सेम नो तो दिस वुड नॉट बी ए सिमिलरली आईज एंड कार्स आर आल्सो नॉट साउंडिंग सेम तो दिस वुड आल्सो नॉट बी बी तो इसको क्या बोल दोगे सी फाइनली स्टार्स एंड नाइट आर दे साउंडिंग सेम नो बट कार्स एंड स्टार्स आर साउंडिंग सेम तो ये भी क्या बन जाएगा ये बन जाएगा सॉरी बी तो so, ये हो गया ए बी सी बी जो कि क्या है आपकी राइमिंग स्कीम क्लियर तो यहां पोएट कह रहे हैं कि वो केज में ही है

टाइगर इज सैड दिसथ शाइनिंग आईज स्टिल हैज होप्स फॉर द डे वेन ही तो जब वो फ्री हो जाएगा उस चीज का होप है उसके दिमाग में और उस चक्कर में वो उन स्टार्स को देख रहा है और यही सोच रहा है मे बी की कब मैं फ्री हूंगा सो दिस वॉज द कंप्लीट पोअम क्लियर ऑल राइट अब हम देख लेते हैं मैसेज क्या है फिर जल्दी से लिटरी डिवाइस डिस्कस करेंगे तो लाइक ह्यूमन द टाइगर और एवरी एनिमल टू फ्रीडम तो एक ही मैसेज दे रहे हैं यहां पर कि जैसे हमको फ्रीडम पसंद है हम जेल में बंद होकर नहीं रह सकते वैसे ही टाइगर हो या बाकी के एनिमल्स हो उन सबको भी केज में रहना पसंद नहीं है दे ऑल्सो वॉन्ट फ्रीडम फ्रीडम इज द बर्थ राइट मोस्ट ब्यूटिफुल गिफ्ट ऑफ गॉड वैल्यूबल फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स एज वेल एज फॉर क्रीचर्स तो भगवान का सबसे ब्यूटिफुल गिफ्ट क्या है कि हम सब फ्री हैं एक फ्रीडम जो होती है वो है सबसे ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑफ गॉड और ये हमें ही नहीं बल्कि सारे क्रीचर्स को मिला है वो एनिमल्स हो वो इंसेक्ट्स हो वो कुछ भी हो तो हमें कोई भी हक नहीं बनता money, तो ये ही है क्लियर ऑल राइट चलिए अब डिस्कस करते हैं द लिटरेरी डिवाइसेस तो नंबर वन है क्योंकि पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है जहां पर ह्यूमन एट्रीप्यूट दिए गए हो किसी नॉन ह्यूमन को तो यहां

नेक्स्ट है injampment. अब तो समझे आ गया अगर एक लाइन जो है वो नेक्स्ट में भी कंटिन्यू हो रही है कोई पंचुएशन मार्क नहीं है कुछ बेसिक से एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं जैसे ही स्टॉक्स इन विविड स्ट्राइप्स के बाद कोई पंचुएशन है क्या नहीं कंटिन्यू हो रहा है नेक्स्ट लाइन में द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज च और फिर है पंचुएशन तो ये हो गया इंजाम्पमेंट सेकेंड स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नो पंचुएशन नियर द वॉटर होल नो पंचुएशन वेयर प्लम डियर पास फिर है फुल स्टॉप तो ये भी क्या हो गया इंजाम्पमेंट डन एक और एग्जाम्पल देखते हैं इंजाममेंट का ही शुड बी स्नालिंग अराउंड हाउस पंचुएशन है क्या नहीं बट एट द जंगल एच क्या है पंचुएशन तो ये हो गया इंजाम्पमेंट डन ऑल राइट नेक्स्ट लिटरे डिवाइस है इमेजरी बहुत ईजी है कुछ पढ़ते से ही आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट हो जाती है फोटो बन जाता है उसे कहते हैं इमेजरी क्लियर तो जब पोइट एक ऐसी लिटरी डिवाइस यूज़ करें जहां पर लैंग्वेज को पढ़ते, -पढ़ते, पढ़ते तो हैं है, केज में चल रहा है, उसकी दिख रही है. केज छोटा है इसलिए थोड़ा बहुत ही चल रहा है राइट right? तो इमेज बनी ये हो गया इमेजरी सेकेंड ही शुड बी लॉकिंग इन शेडो अब इमेज इमेजिन कर पा रहे कि नहीं टाइगर जो है वो छुप रहा है पीछे क्योंकि उसको अटैक करना है डियर पे

यानी कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होना बट स्टार्टिंग में यानी कि जो वर्ड है उसकी बिगिनिंग में होना चाहिए वो साउंड तभी कहोगे एलिट्रेशन फॉर एग्जाम्पल वे प्लम्प डियर पास देखो प साउंड जो है कॉन्सोनेंट साउंड है और दोनों में ही बिगिनिंग में है इसीलिए बोलोगे एलिट्रेशन सिमिलरली हि स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स ब साउंड जो है बिहाइंड बार्स दोनों के स्टार्टिंग में है रिपीट हो रहा है ये है क्या एलिट्रेशन सिमिलरली हीस द लास्ट व्हाइट एट नाइट ह साउंड रिपीट हो रहा है कॉन्सनेट साउंड है ही he में हियर्स में दोनों में बिगिनिंग में है इसीलिए दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन क्लियर ऑल राइट

एक चीज क्लियर हो चुकी है अगर ये सब कुछ पढ़ लेते हो अबाउट दीस टू चैप्टर एंड द पोएम डेफिनेटली पूरे डाउट जो है आपके क्लियर हो जाएंगे एंड एवरीथिंग विल बी रजिस्टर्ड इन योर माइंड ब्यूटीफुली नाउ बिफोर वी एंड दिस वीडियो लेट्स जस्ट रीड अ वेरी गुड थॉट दैट इज योर एग्जाम्स आर कमिंग ट्राई टू वर्क हार्ड एज हार्ड वर्किंग इज द ओनली की टू सक्सेस नथिंग एल्स कैन लिफ्ट यू अप